भिंगार कैंटोनमेंट का निर्माण सन 1879 में किया गया और आज 2023 तक करीबन 25,000 सिविलियन पॉपुलेशन उस कैंटोनमेंट एरिया में रिसाइड करती है। इस 50 सालों से यहाँ पे जितनी भी सिविलियन पॉपुलेशन है उनको इतनी दिक्कतों का सामना किया गया कि हर बार मांग हुई कि हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिया जाए कि ये भिंगार कैंटोनमेंट एरिया अबॉलिश करके इसकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है इसको अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में समायोजित किया जाए। डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, मेरे लोकसभा अहमदनगर के निर्वाचन क्षेत्र में भिंगार कैंटोनमेंट का निर्माण सन 1879 में किया गया और आज 2023 तक करीबन 25,000 सिविलियन पॉपुलेशन उस कैंटोनमेंट एरिया में रिसाइड करती है। कैंटोनमेंट एरिया डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट होने की वजह से सिविलियंस को काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, FSI की दिक्कत है, NOCs फॉर कंस्ट्रक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। सर, पिछले 25-50 सालों से यहाँ पे जितनी भी सिविलियन पॉपुलेशन है उनको इतनी दिक्कतों का सामना किया गया कि हर बार मांग हुई कि हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिया जाए। इसी के तहत हमारे देश के सम्माननीय संरक्षण मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के पहल से 16-10-23 और 26-11-23 को दो उच्च स्तरीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियल के साथ मीटिंग की गई और जिसमें यह तय किया गया कि ये भिंगार कैंटोनमेंट एरिया अबॉलिश करके इसकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है इसको अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में समायोजित किया जाए। इसी के तहत 3-12-23 यानी पिछले हफ्ते एक मीटिंग अहमदनगर में ली गई जिसमें सारे सिविलियंस को विश्वास में लेते हुए सबने इस बात से सहमति दी और सबका यही मसला था और सबने यही राय जताई कि हमें अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आना है। इसी के तहत आज मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये विनती करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द एक्सीजन ऑफ भिंगार कैंटोनमेंट एरिया फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड एंड इंक्लूजन इन अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए और 3 महीने में इन सिविलियंस को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में समायोजित करके इनकी सारी समस्याओं का हल ढूंढा जाए। धन्यवाद सर।